Şey sería un nanoshinte de la forma de los hijos. ब्रह्मचर्य का सैद्धांतिक पक्ष केवल चर्चा करेंगे इस समय में। एक मान के चलने भी ब्रह्मचर्य के सैद्धांतिक पक्ष में से सबसे महत्वपूर्ण है द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता। वो आप सबको ज्ञात है, होना चाहिए। जीवन में सबसे ज्यादा परिश्रम करने लायक है द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता की सच्ची समझ। ब्रह्मचर्य का बेसिक मूल है, मूल प्राण ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान। ब्रह्मस्वरूप का ज्ञान ही नहीं हो तो ब्रह्मचर्य कैसे होगा? ब्रह्मस्वरूप अर्थात छह द्रव्य स्वरूप और उनमें द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता, उसके आधार से फिर पूरा नहीं। बस पर तो कुछ है ही नहीं, सब अपने आप ही होने लगे, सारा ऑटोमेटिक ही होने लगे सारा। ये आया भी इधर, तुम कितने इधर सामने आ सामने, अच्छा लगता है देखते। ब्रह्मचर्य मतलब कोई एकदम इमेज होती है ना, ब्रह्मचर्य मतलब कोई शादी नहीं हुई ऐसे ब्रह्मचारी हुआ काम है, त्यागी हुआ काम है, प्रतिमाधारी हुआ काम है, मुनिराज हुआ काम, ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य में आत्मा का आनंद बास, ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा का आनंद। इस पर किसका हक नहीं, गरीब हो, अमीर हो, शादीशुदा हो, सबका हक है। वास्तव में वो ब्रह्मचर्य के नाम पर जो फेमस हो जाते हैं वो अतिशय आनंद करने लगते हैं, फिर उनको घर गृहस्थी में आनंद नहीं आता, फिर वे ध्यान से सुनना शब्द क्या था, अतिशय आनंद करने लगते, फिर गृहस्थी में आनंद नहीं रहता, फिर निवृत्ति ले लेते हैं। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य किसी क्रिया का नाम नहीं है। ब्रह्मचर्य में सबसे पहला काम है ब्रह्मस्वरूप का निर्णय, उस तीन लोक का सबसे ज्यादा आनंद जहां आता है उसका नाम है ब्रह्मचर्य। हम तो चाहे इस पर चर्चा करोगे, यदि आपको आनंद नहीं आ रहा था तो पूछो कि आनंद है क्या, किस चिड़िया का नाम है आनंद? छोटी समाधि में पाठ में लिखा है, मुझे ब्रह्मचर्य में आवे उल्लास। ब्रह्मचर्य की चर्चा में क्या आनंद आता है? कल्पना करो, एक सरल दृष्टांत दे दो, आपके लड़के की शादी हो
और सब लोग आपको सुना रहे हो, समाज के सब लोग, अरे वो क्या तुम्हारे लड़का के साथ इतनी बड़ी जगह हो रही, इतने करोड़ का तो दहेज आ रहा है, इतनी तो हवाई जहाज मिल रहे हैं, इतनी तो मिठाइयां बन रही हैं, इतना तो पंडाल लग रहा है, ऐसा घोड़ा आया है अमेरिका से और ऐसी बारात ऐसी, बोलने की कैसा आनंद आया। कोई बात बात में आपको प्रशंसा सुना रहे कैसा है, ये सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, ऐसी बात सुनकर जैसे रोमांच उड़ता है, उमड़ता है एकदम। अच्छा हमारे शादी में ऐसा हो रहा है, जिसमें की एक बात शादी ऐसे, अच्छा प्रशंसा सुन सुन के जैसे खूब आनंद आता है। ऐसे ब्रह्मचर्य माने विश्व का सबसे सुंदर आनंद, सबसे उत्तम आनंद। उसका कारण बताएंगे अभी, अभी कारण की चर्चा करेंगे। ब्रह्मचर्य के नाम पर उदासीनता नहीं है, लौकिक आनंद से भी अनंत गुना आनंद, उसका नाम ब्रह्मचर्य। पंडित साहब ने तो रचना में बहुत लिखा है, मानो कोई चिंता में नहीं मिल गई तो अमृत स्वामी के लिए। ओह जिसको हम अनाधिकार से चाहे थे वो वैभव मिल गया, इससे बढ़िया आनंद क्या होगा। लेकिन जब देखा देखिए आप ब्रह्मचर्य लेंगे तो फिर आप बोर हो जाओगे, यही लगे कछवान मानंद तो होते ही नहीं। इसके अंदर ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। आनंद ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म ने आत्मा, ब्रह्म ने आत्मा, अब आत्मा आंखों से तो दिखता नहीं तो उसका आनंद भी आंखों से नहीं दिखेगा। आत्मा कान से तो सुनाई पड़ता नहीं तो फिर उसका आनंद भी कानों से समझ नहीं आएगा। हम लोग आनंद को कहां ढूंढने लगते, देखो हमने गाना सुना था ऐसा आनंद से भर पड़े, लेकिन ये कान की चीज नहीं है, आनंद आंख की चीज नहीं है, नाक की चीज नहीं है, अलिंग ग्रहण है, रसायन से आनंद नहीं आया, अभी लड्डू खाने का आनंद आया। दिक्कत है कि आनंद शब्द सुनते ही हमें पांच इंद्रियों में जो इमेज थी ना वो वाली इमेज खड़ी हो गई, ये तो भ्रम हो गया, ये तो भ्रम हो गया। इसलिए पहले नंबर ब्रह्म स्वरूप को समझो, ये समस्त ब्रह्मचर्य का आधार है और इसे पाने के बाद जिसको कोई दुख नहीं शेष रहता। देखो पर मुझे ब्रह्मचर्य का फल है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ आनंद सब प्रकट हुआ, वो ब्रह्मचर्य का फल है। कैसा हुआ वो ब्रह्म उसकी चर्चा अब प्रारंभ करती। वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि अब इतने सब चर्चा सुन चुके हैं, ये चर्चा पक्की होनी चाहिए, लेकिन इसलिए बात कहता हूं सभी सुनना ध्यान से। जैसे अभी हमने कहा तो आनंद है या नहीं चेक करो, यदि आपका आनंद है तो कहीं इंद्रिय का आनंद है कि अतिद्रिय आत्मा का आनंद है, ये चेक करो। मैंने चेकिंग का सही हो रही है समझ लो, पढ़ाइयां तो कम होगी चेकिंग ज्यादा होगी। फिर भी हम ये बात कह रहे हैं सभी तरह के बच्चे हैं, देखो बेटे हो सकता है आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक है, ध्रुव है, अकर्ता है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, ये सारे सिद्धांत कदाचित आप सबको पता है, तो ध्यान रखना इन विचारों को श्रद्धांत में कन्वर्ट करो। बस इस पे चर्चा चलनी है, अपने विचारों को श्रद्धा में, प्रतीति में, अनुभूति में कन्वर्ट करो, और यदि ये हो जाता है तो आपके पास एक भी समस्या शेष नहीं रहेगी। समस्या मतलब कष्ट दुख टेंशन एक भी नहीं रहेगी। क्यों? जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करें, कोई कोई सिद्धांत का आधार लेंगे जिसके आधार से आपकी बात सिद्ध हो जाए। सिद्ध क्या होना है कहो तो अभी इशारा कर दे रहे हैं, आपको खुद ही सिद्ध करना है, हमसे नहीं पूछना है, आपको आपस की गोष्ठियां करनी है, भाई लोग भी आपस में गोष्ठी करो, आप लोग भी गोष्ठी करो, उसमें ये सिद्ध करो यदि हम ब्रह्मचारी हैं तो हमारे जीवन में सम्यक दृष्टि के आठ अंग दिखने चाहिए, दिखने चाहिए। यदि आप कह रहे हैं हमें आत्मा मिल गई, हमें आत्मा का ज्ञान मिल गया, हम आत्मा के बारे में सब जानते हैं, अब हमें जानने के लायक कुछ शेष नहीं रहा, अब हमें चर्चा सुनने की भी जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि आत्मा भगवान आत्मा ज्ञान है, अकर्ता है, ध्रुव है। फिर से बोलता हूँ एक दो बार, या तो ऐसा लगना चाहिए कि हमारा तत्व ज्ञान कहीं अधूरा है, तो तत्व ज्ञान पक्का करो,
कई तत्व ज्ञान पूरा है तो उसे अनुभूति में, प्रतीति में, श्रद्धा में बदलना चाहिए। और यदि बदलता है तो तीसरे लेवल पर आकर के आपके पास सम्यक दृष्टि के 8 अंग होने चाहिए। और नहीं होता पूछा मैंने कुछ सोचे इस पर। हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं आत्मा के संबंध में। बहुत सुंदर सिद्धांत है, न्याय है। न्याय प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। सिद्धांत का नाम क्या है? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। सिद्धांत सरल है, कई लोगों के लिए स्वाध्याय में होगा। प्राप्त की ही प्राप्ति होती है तो आप लोग सामने रखा हो। मैंने रात्रि में या कभी रात्रि में या कभी दृष्टांत दिया हो, ये बताओ आपको उधारी वसूल करना, रात के लिए उधारी वसूल करना हो, बताओ गुस्सा आती है गाड़ी से? याद रह जाती किसी? पता यदि 10 लाख रुपए पर मंथ में प्रॉफिट होता हो, 1 करोड़ प्रॉफिट होता हो पर मंथ, और वो व्यक्ति गाड़ी देता हो जिससे वह बिजनेस करती है, उधारी वसूल करने में थोड़ा हैरान तो करता है, दे देता है, बोलो ये क्या करोगे? कितना गुस्सा आता है बोलो? करोड़ों रुपए के प्रॉफिट के सामने उसका गुस्सा गुस्सा दिखाई नहीं देता, गाली गाली दिखाई नहीं देती। सुना 3 लोग के नाथ बनने निकले हुआ और तुम्हें प्रतिकूलता दिख रही है, हमें कैसे नहीं रहेंगे जी, कैसे बुरा इनने हमें ऐसे कार्य करी, इनने हमें इज्जत कारी समझी, ये तुम पहले हो कौन जैसे सोचा? प्रयोजन क्या है? प्रयोजन फिर से कह रहे हैं, अंडरलाइन करो अपना प्रयोजन क्या। मानादिक शत्रु महान, सीमा जी लिख दिया है, मानादिक शत्रु महान मान। ये चर्चा में जरूरत क्यों है कि अपने को लग इतना बेवकूफ बनाता है मोह, मोह इतना बेवकूफ बनाता है। अरे इतना तो धर्म कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, चर्चा वार्ता कर रहे, ये तो धर्म और कोई नहीं कर रहा। ये लोग देखो ब्रह्मचारी हो गया, विपक्ष कर रहे, फिर देखो ये मोह ऐसे संतुष्ट कर रहे और पता भी नहीं लगता कि तत्व ज्ञान सम्यक दर्शन ये मुख्य प्रयोजन होने की वजह मानादिक प्रयोजन हो जाता है। अरे हम भी तो कभी हैं प्रतिमा धारे, ऐसे हमारी इज्जत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गजब हो गए, हम आत्मा ही भूलेंगे, हम आत्मा ही भूलेंगे। बोलो ये कोई 10 करोड़ एग्जाम्पल ले, 10 लाख एक चाय पत्ते ले ले, 1 लाख 10 लाख, बोलो जिससे बिजनेस होता है उसकी बात है कैसे सह लेती है? बोलो ये इज्जत कहां चली जाती है उस समय? गाय की इज्जत है, पैसे दिख रहा है। ऐसी आत्मा की अनुभूति दिखाई दे, आत्मा दिखाई दे, आत्मा का प्रयोजन दिखाई दे, फिर विश्व में नाना प्रकार के त्रास दे। पंडित साहब की कैसे विश्व भले दे नाना त्रास, विश्व शत्रु बन करके भले ही नाना प्रकार के त्रास दे हमें दिखाई दे। मैंने देव सारी शिकायतें 1 सेकंड में खत्म हो गई, इस प्रयोजन का पता हो। रेलगाड़ी में टिकट नहीं मिलता, कल शायद सभी दृष्टांत दिया था, परसों दिया था, रेल का टिकट नहीं मिलता हो और कमाई करनी हुई, रेल जैसी जगह मिलती हो, जहां जगह मिलती हो वहां से चला जाता है, और वहां से आते से जैसे प्रयोजन पूरा हो, थका तो भैया बहुत है लेकिन खुशी ऐसी होती है भैया होते जैसे समझो सही समय पहुंचे कलकत्ता, और मटेरियल माल मिल गया हमें पसंद का, और वही हमने फटाफट धरवा और रोटी खाई फुर्सत नहीं मिली, लौट गई ट्रेन में 1 घंटा बाद हम चल रहे। बोलो कितना आनंद आता है बोलो। ध्यान रखना भैया, ब्रह्मचर्य ही एकमात्र प्रयोजन है और उसकी सच्ची समझ सुनो अच्छे से, क्यों लगन नहीं लगा मैं चेहरे खेलती नहीं ऐसी बातों में, तब तक मालूम पड़ रहा है क्या हुआ कहानी कैसे सुना तब तक लगता है सीए सिद्धांत सुना मैं ऐसा लगे कि फट पड़ रहा है हमारा आनंद का मान, समझ रहे भैया क्या बात चल रही है? तो प्राप्त की प्राप्ति होती है यदि ये प्रयोजन हो जाए, मानादिक नहीं होना चाहिए। उन्हें आनंद तथा हुआ कि ठीक है साहब अब लिख के दो आपको विवाह सुनने को नहीं मिलेगी, क्या हम इनसे इसलिए नाराज है जिनने हमें इज्जत नहीं करी?
छोड़ी कितनी घटिया बात। पहले तुम हो कौन? तीन लोगों परमात्मा बनने जा रहे, तीर्थंकरों की इज्जत की चिंता नहीं लगी, बोले तब तो भगवान बनी। पार्शनानी सोच रहे थे तो मेरी इंसल्ट का सवाल है, आज तक किसी तीर्थंकर पर ऐसा नहीं हुआ। और जी कांग्रेस व्यवस्थापक सौदन में इन्हें व्यवस्था नहीं देगी हमारी, आज मैं आदमी सोच रहे थे हमारे यार की व्यवस्था नहीं बनवा रहे ये लोग। मतलब दो दृष्टांत हम सामने रखे अपनी बात में सोचो, हाँ कोई आहार की व्यवस्था नहीं बनाए, आहार ना मिलेगा तुम्हें आनंद आया, हाँ गले हो गया, क्या सुंदर मार गए, ऐसा लगे अरे काय को मार गए भैया, कैसी समाज रोटी तक को नहीं पूछी है ना, रोटी तक की मत रह जाइए कुछ कहा रोटी तक के लिए नहीं पूछा हम तो कह रहे इसलिए दृष्टांत रखो बताओ, जिसका प्रयोजन पूरा हो जाता है, तीन दिन भूखा रह जाए उसे क्या हो गया, रोटी तो खाते ही रहेंगे क्या हो गया, वहां ऐसे बोलता और यहां से तो मरी थी हम। देखो वहां व्यापार धंधे में रोटी नहीं मिलती तो कहा मर जाएंगे, ठंडी खा ली क्या बात है, ठंडी खा ली क्या दिक्कत है, बोलो इसका मतलब प्रयोजन क्या है। सबसे पहला प्रयोजन फिर कह रहे होगी ब्रह्मचर्य का पहला आनंद है विश्व का सर्वोत्तम आनंद, चर्य मतलब आनंद होता है जिसको सर्वोत्तम, जिसको कोई दुख से इसमें दिखाई दे रो हो, इसका नाम ब्रह्मचर्य। आज से माना दिखे माना दिख में सही है, क्रोध मन माया लोग रह कैसे जाते हैं ये बता, तो प्राप्त की प्राप्ति होती ये लक्की करण ताकि ये माना दिख चले जाए, प्राप्त की प्राप्ति होती प्राप्ति मने केवल ज्ञान, प्राप्ति मने सिद्ध दशा, प्राप्ति मने अनंत दशा। जरा सोचे तो सही इस देह के अंदर इस आत्मा है कितना चमत्कारी है, कितना शक्तिशाली है, बस पहला विश्वास ही करो तो आनंद आएगा, पर नहीं पक्का करो परिणाम तो खराब है और पंचम काल है और शरीर कमजोर है। अब कर रहे हैं ये जितनी बन रही है भगवान जाने से हमारी स्थिति तो क्या बहुत बढ़िया है, झूठी बात है। अनंत बल प्रकट होना है भैया, अनंत बल पोड़ की अनंत बल और फिर नक्की करा सचमुच एक मिनट जरा सामान करो, हाथ जाके ध्यान लगा बुरी दशा है, उपसर्ग है, परिसर है और केवल ज्ञान हुआ, अकेली हो गए अपनी देवी तो नहीं खिल रही, सौ इंद्र अपनी पूजा कर रहे और अपन मोक्ष में जा रहे, आनंद सिद्धों के बीच अपन विराजमान है, जरा करना सामान इतना बड़ा टारगेट लगे चला और नहीं तो सही कह रहे हो, हमने ऐसी गुरुचारी हूँ जैसा देखी जैसे 24 घंटे रोटियां दिखा इज्जत दिखा दो तो चीज दिखा रहे और इन ऐसा नहीं करो इंजेंटर ठहरा दो वहां पानी गिर रहा था वहां ऐसा हो रहा था और हम कभी करें कि नहीं करें, बस पूरा लौकिक। पंडित साहब ने क्या कहा था, श्रीमद जी ने लिखा है अलौकिक मार्ग और अलौकिक वृत्ति, क्या लिखा है अलौकिक मार्ग और अलौकिक वृत्ति, इसलिए तो ब्रह्मचारी उन्हें लौकिक मार्ग से अलग एकदम कोई लौकिक वृत्ति नहीं। खुद सोचे भैया अलौकिक मार्ग और अलौकिक वृत्ति क्यों, केवल ज्ञान का मार्ग है, अब लोक में तो मिलता नहीं है केवल ज्ञान का मार्ग, चलो प्राप्त की प्राप्ति होती है, पहले सिद्धांत से समझाएं दृष्टांत से समझाएं, सिद्धांत तो बता दिए, प्राप्त और प्राप्ति दो शब्द नहीं रहे, शब्द तो सरल लग रहे हो प्राप्त और प्राप्ति, लेकिन सिद्धांत न्याय है बहुत बड़ा इसमें, इसके आधार पर जैन साधन टीका है। प्राप्त कहते हैं जो त्रिकाल सामर्थ्य है, क्या कहा प्राप्त को प्राप्त, प्राप्त किसे कहते हैं त्रिकाल सामर्थ्य, जैसे दूध के अंदर घी ये प्राप्त है प्रकट नहीं थी, दूध में घी प्राप्त है व्याप्त है, समझे व्याप्त, जैसे दूध में घी पड़ा हुआ है लेकिन उसे पूरी निगरानी जा सकती, हलवा निगरानी जा सकता दूध में से,
लेकिन लिए क्यों? कब बनाई जा सकती है पूड़ी और हलवा? कि जब उसको प्राप्त कर लिया जाए, उस प्राप्ति प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति मैंने अवेलेबल प्रकट हो जाए, हम उस दूध की प्रोसेस करके घी निकालेंगे, खूब बढ़िया हलवा बना, कोई दिक्कत नहीं। समझिए, प्राप्त और प्राप्ति, प्राप्ति मैंने अवेलेबल हो गया, प्रकट हो गया, और प्राप्त माने त्रिकाल, त्रिकाल बजन क्या करें, त्रिकाल त्रिकाल सामर्थ्य। अब अपने में लगाओ, नक्की करो, इस देह के अंदर जो जानने वाला समझने वाला आत्मा है, इसमें भगवान पुनः प्राप्त है कि नहीं? थोड़ा निर्णय लीजिए, प्राप्त है कि नहीं? जैसे दूध में घी दिखाइए ना, परमानंद स्रोत में, जैसे दूध में घी, चकमक में आग, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण, बोलो ऐसे आत्मा में परमात्मा पना है कि नहीं? कैसे मालूम पड़े भैया? ये देखो ना, महावीर भगवान सेब की पर्याय में थे, देखो ये नहीं पारसनाथ हाथी की पर्याय में थे, इनको देखो ना सबको दृष्टांत है। ओहो, ये भी हमारी तरह आत्मा थी, संसार में रहते थे, रखड़ते थे, दुखी होते थे, जन्म मरण करते थे, और ये परमात्मा बन गए। चमत्कार मेरे में त्रिकाल है, त्रिकाल ये आपको ऐसा लगे हम कितने लेट हुए, लेट हो गए। हाँ, यदि ऐसी बात करें मालूम होती कि हम परमात्मा का सिद्धालय में होते हैं, अनंत सुख भोग रहे होते, कोई बात नहीं। अब सही बोलो भैया, दूध में से घी अभी तक नहीं निकाला, अब निकाल देखो, समझ लो, बोलो रोजी दूध पीते लेकिन घी इसमें से निकलता ही पता नहीं, क्या मैंने डब्बे का देखा था, डब्बे का पिया था, डब्बे में घी है, हमें नहीं लगता है डब्बे का भी घी होता है, कंपनी में मशीन में से बनता होगा, मालूम नहीं था दूध में से घी। अब किसी घर गए तो उनके लगे घी खाने, हमारा घर तो घी है, घर में कैसे होता है, देखो दूध में से निकालते हैं। अरे ये तो अब तक तो हमारे पास कितना घी होता, हमने तो सारी मलाई फेंक दी, हमने कितना बढ़ गया, हमारे पास दूध आता था, हमने तो सब बेकार भी खराब कर दी, कोई बात नहीं। आप सही मतलब आनंद आता है कि दुख होता है, घर जाते थे प्रोसेस स्टार्ट है, भैया जी इसी दूध में से घी निकलता है, हम तो सोच रहे थे डब्बा में से आता, मशीन में से आता, आज मालूम पड़ा। ओ क्या कमाल, ध्यान रखना भैया, इसी आत्मा में वो जो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, एक बार ऐसा आनंद आया भाई ब्रह्मचर्य, अरे मैं परमात्मा हूं, बनना नहीं है दूध में घी, बनना कि निकलना है, दूध में घी है पे भजन है, ऐसे मैं परमात्मा हूं। अब बोलो ये तारी सामने बात, परमात्मा हूं तो किंचित मात्र भी कम नहीं कर। अब ये विचार होने चाहिए, दिक्कत क्या है कि हम शब्द सुन लेते ना, हाँ जब आ तो कोई पुरानी कौन सी नई बात चली, या कहा नई बात चली, नई चलना ही नहीं, ध्यान रखना नई बात चलना ही नहीं है, हमें पहले कहा था, आप जानते हो वो समझ को विश्वास में बदलो, श्रद्धा में बदलो, प्रतिदिन बदलो, क्या नाचने लगे मन, हम परमात्मा है। हाँ, अंतिम स्त्री का बहुत जान, यहां से घर निकलनी चाहिए, ऐसे सीता गरजती थी ना, ऐसे गरज हाँ हाँ, ऐसे सीर की खान को कौन छू सकता है, सीता को डर क्यों नहीं लगा, तुम छू नहीं सकते, मैं स्पर्श ही भगवान हूं, छू नहीं सकते, छू नहीं सका हो, ऐसे कमाल की बात। तो प्राप्ति की प्राप्ति होती है, मतलब दूध में घी है ये प्राप्त, और प्रोसेस करी से प्राप्ति, कितने सरल प्रोसेस है, बोलो भगवान बन गए। ऐसे सबसे पहला निर्णय ये होना चाहिए जिनवाणी पढ़कर, कि परमात्मा भगवान का अवतार नहीं होता, परमात्मा पना आत्मा में से प्रकट होता है। क्या बोला, परमात्मा पना आत्मा में से प्रकट होता है, तो गधे हो गए, आत्मा तो नहीं, अब तक तो ये मिल गया, बस मिल गया, वो बच्चों वाले गीत में लिखा ना, मैंने मुक्ति को बस में किया, मैंने मुक्ति को भी बस में कर लिया, क्योंकि अब मुझे पता लग गया कि आत्मा में ही परमात्मा हूं। ध्यान रखना, हिंदुओं में कहते हैं आत्मा में परमात्मा का वास है,
मैंने कहा आत्मा घर है और परमात्मा उसमें रहने वाला है। जैन धर्म ने नहीं कहता कि आत्मा में परमात्मा का वास है, आत्मा सो परमप्पा हप्पा सो परमप्पा, मैंने आत्मा में सो मैं ही परमात्मा हूं बस। ऐसा कैसे मालूम पड़ जाए? देखो निर्णय तो तुम्हें करना है, नहीं समझ में आए तो पूछो, हम तो ग्रंथ के हवाले दिखाएंगे आपको। तो आत्मा सो परमात्मा, अब बोलो उठते बैठते चलते फिरते आपका एम कैसा होना चाहिए, तो ये सम्यक करना। स्वयं में एम, आत्मा में अहम, रोडमल साहब ने लिखा है जैसी प्रतिदि जैसा एम शरीर में आता था वैसा आत्मा में आ जाए, बस इसका नाम सम्यक करना। अंदर में लगे अरे भैया तुम कहा दो रहे हम चलते फिरते सीधे अंदर लगेगी ये बात, अहंकार के लिए नहीं। ऐश कब क्या समझते हो परमात्मा है? रुक जाओ क्या कौन से रहे परमात्मा है तुम क्या कौन से रहे हो? ऐसा सिद्धों की कीमत ही नहीं करता कोई, कौन कौन से मांग रहे कीमत? तो ये बात तो बहुत खतरनाक है, ये समझ लो बार बार कह रहे, कल भी कहा था आज भी कह रहे हमारी कीमत कीमत सिद्धो तुम सिद्धों से नीचे कीमत चाहिए वो तुम कह रहे हमारे लाया कपड़ा। जब आत्मा अनुभव आता है तीन लोग में से कोई कपड़ा नहीं जो हमें लाएगा, सही बात तो यह है शर्म सी आती कहां रह रहे हम क्या कर रहे, पर्स दृष्टा नहीं है ना हमने वो सोच रहे सही तीन लोग के नाम से झाड़ू लगवा रहे तीन लोग के नाम से दुकान चलवा रहे तीन लोग के नाम जरा सोचे तो आत्मा से परमात्मा जरा सोचे जाए बना भिकारी नहीं पड़ेगा जरा भी मांग रहे शर्म सी अच्छा उधर से दे होगा लग मैं परमात्मा हूं। स्वामी जी ने क्या कहा था जेल में जाकर के कैदियों से, तुम्हें सोचता नहीं तुम तो परमात्मा हो, तुम कैदी नहीं हो, हम तुम्हें कैदी नहीं देख रहे अपराधी नहीं देख रहे तुम परमात्मा, एक बार तुम अपने परमात्मा देखो ये तुम्हें सुरूपता है। बस जी लाइन अपने लिए है कैदियों से थोड़ी कही अपने से भी तुम भी तो आठ करोगे कैदी हो शरीर के कैदी हो तुम्हें परमात्मा छो ये तुम्हें सुरूपता है तो सही कह रहा हूं इसकी तुम माला फेरना चाहिए मैंने हल्के भाव आगे से रहे भैया कल्पना करा जाए अपने लड़का की शादी दृष्टांत लड़का की शादी क्या अपने लड़का की शादी और अरबपति पार्टी मिली हुई अरबपति ऐसे भोजन पानी के प्रबंध हो रहे हैं जोर जोरदार तो तुम्हें कभी हल्का भाव आता है भैया एक बिल्लिया में नेक कसारा में देती बोलो आगे सोच रहे लड़का आ सकता है अपने लड़का की शादी में लड़की वाली इतना खर्च कर रहे हूं ऐसा विचार आ सकता है जरा जरा सा आटा दे दी बोलो क्यों ये भैया और सब तो तुम हवाई जहाज दे रहे मोटर कार दे रहे सब सोना चांदी जीरे माणी दे रहे भैया इतने जीरे और दे दिए घर जाते थे दाल में छौंक लगा ले इतने जीरे दे दिए क्या क्या सोच रहे तुम पागल हो मैंने सुनने वाला तुम्हें जीरे देगा तो नहीं लेकिन जी कहेंगे तुम लेकिन मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं दे हाँ जैसे ऐसे जिसने परमात्मा का अनुभव किया है सोचो हम कौन कौन से पागलपन की बातें करते हैं इस परमात्मा के सामने क्या तो डिमांड कर रहे हैं सोचो जरा मैं तो सर क्या सोचने पड़ेगी जब तो आपको अलौकिक वृत्ति अलौकिक मार्ग अलौकिक परमात्मा प्रति अब तुम लोग से अपेक्षा करते वे तुम्हें पहचान वे तुम्हें देखें ये क्या परेशानी है भैया लौकिक दृष्टि से पारलौकिक मार्ग पंडित साहब क्या दृष्टान देती है भैया रोटी बनाने की चिमटा से घड़ी की पर्दी नहीं पकड़ी जाती घड़ी की पर्दी होते हैं ना बारी बारी होते हैं वहां चिमटी चाहिए चिमटी ऐसा अपना उपयोग ऐसा सूक्ष्म चाहिए अलौकिक अलौकिक उपयोग चाहिए अलौकिक वृत्ति हो जाएगी बस खत्म चलते फिरते आनंद आएगा उठते बैठते आनंद आएगा कोई मांगना नहीं पड़ेगा दिक्कत क्या है देखो फिर से समझे सभी लोग अभी सबको ऐसा लग रहा है कि वो सामायिक में आनंद करेंगे बस झूठी बात है आनंद कर रहे होगे 24 घंटा तो सामायिक कर पा
बता सामने कोई जाति वो थोड़ी आसन आवे ऐसा बैठ गए अब आना शुरू हो जाए कोई मशीन थोड़ी है कोई चार्जर थोड़ी है क्या हमारा मोबाइल चार्ज हो ले अब आत्मा चार्ज हो गई नहीं 24 घंटे अलौकिक वृत्ति बताओ ऐसे विचार कब आ सकता है तुम्हें शादी में अरबों रुपए की सामग्री मिल रही हो वैसे तीन लोग का परमात्मा तुम्हें दिख गया कि आज पहली बार मालूम पड़ा कि मैं आत्मा नहीं आत्मा तो हूं लेकिन आत्मा तो परमात्मा था अब्बा सो परमात्मा हूं तो परमात्मा हम जब कॉलेज सर्विस करते थे भोपाल मैंने अंतर से वृत्ति जगती थी इसलिए कह रही एक दिन भी लेट मत जाओ कॉलेज अपन परमात्मा है कोई अपने तो क्या क्यों जैन जैन साहब आए क्यों टाइम से अपन तो भाभी से अलकाल भगवान बन जाए कौन टोक रहा है कौन शराब पीने वाला विद्या दृष्टि ये लोग नहीं दो टाइम से जाते एक दिन अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कह नहीं देखे हो तुम फ्रेंच लीग मारते हो मुझे तुमने बेकाम नहीं किया कभी नहीं अब अपनी सोच ऐसी थी ना तो बाहर में लोगों को कोई परेशानी नहीं आई 10 साल एक ही कॉलेज में रहे कभी ट्रांसफर की धमकी नहीं मिली कभी कुछ नहीं हुआ और कभी बेगार नहीं करनी पड़ी नंबर दो का काम नहीं करना पड़ा किसी तरह का गंदा काम नहीं करना पड़ा क्यों दबोगे तो जब ही जब तुम गलत हो तभी तो दबोगे और अपन दबे नहीं हमारे साथ ही लोग कहते थे ऐसी चिट्ठी मत लिखो प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर देगा हम तो तैयार ही नहीं सही बात कहने में हमें क्या दिक्कत है बहुत मस्त रहे क्यों मस्त रहे मैं इसका नाम देखो फिर समझा आप अलौकिक हो लौकिकता से माफ करोगे तो लौकिक हो जाओगे सीधी बात क्या कह रहे बहुत बड़ी बात कह रहे समझ लेते हैं अलौकिक आप लौकिक से माफ करोगे तो लौकिक हो इसका मतलब ये कपड़े ही दे देते कम से कम लौकिक हो गया क्यों कपड़े भिखारी बनते तो भिखारी हो बना भिखारी निपट अजा एक ब्रह्मचारी जी थे प्रैक्टिकल घटना बता रहे हैं आप कहीं जा रहे थे अरे यात्रियान 6:30 बजे तक पहुंच जाए तो अच्छी है मद्रास कहीं भी नई दिल्ली बंबई कहीं भी टाइम पे पहुंच जाए मजा आ जाए 6:30 तो लिखा है 6:30 बस सीधे मंदिर जाएंगे नहाई होंगे धोई दुपट्टा पहनेंगे भगवान की पूजा करेंगे तो कोई कोई पूछे वो कहां से आए भोजन की व्यवस्था हो जाएगी देखो आनंद कहां में था आनंद कहां लग रहा था मतलब ये है लौकिक वृत्ति हो गई भिखारी बन गया देना जगत भोजन तक मुझको पास न होवे मेरे वेद ये पाठ करना है कृपया आत्मसंबोधन बहुत अच्छा कहां से भोजन भी नहीं हो और पैसा भी नहीं हो तो भी खेत खिन्न न हो गए चित ऐसा लगे आज बढ़िया लगे आज आनंद है मुझे आज वो क्या लिखा है अलाभ में भी लाभ मानते हैं अंतराय आने पर भी आनंद मानते हैं भोजन नहीं मिला तो अभी लाभ मानते हैं कैसा लाभ होता होगा चलो आज परीक्षा हो गई हमारी कहीं परीक्षा हो गई यहां हम भोजन के लिए नहीं निकले देखो भोजन के लिए जुगाड़ नहीं लगा रहे भोजन के लिए पूजा नहीं कर रहे भोजन के लिए काम नहीं कर रहे इसका नाम है अलौकिक वृत्ति अलौकिक वृत्ति और अलौकिक मार्ग क्या कहें भैया मतलब तो हमें भाव पक्ष बताने की कोशिश कर रहे हैं दिक्कत है कि हम बेगी भी कपड़ा पहनने वाली बेगी भी भोजन करने वाली बेगी भी सब अब बोलो साहब आत्मा भी हम है मैंने आत्मा कब आए आ गई अब आ चलो हम भी आत्मा है भगवान आत्मा हम भी सब जाना था जाना था तुम अलौकिक वृत्ति होनी चाहिए था ना लिख लो ये बात बिल्कुल डायरी की सबसे ऊपर अलौकिक दृष्टि अलौकिक वृत्ति अलौकिक मार्ग जितने झगड़े आते इन्हीं के चक्कर में आते ऐसी बात है झगड़े आते हो झगड़ा तो क्या है टेंशन तो हम कहां चले जाए कहां चले जाए स्वरूप में जाना हमसे पूछो बता स्वामी जी कैसे बढ़िया दृष्टान देते थे जैसे उपसर्ग परिसर आते हैं तो जैसे बालक
माँ के साथ जा रहा था, छोटा सा बालक उंगली पकड़ लिया माँ के साथ जा रहा था, जरा कभी झटका लगा, जरा गिरने को हुआ था और माँ का वो आंचल और सब ने पकड़ लिया, गिरने को हुआ था। ऐसे दिगंबर मीरा आर की चर्या के लीडर वहां कोई विकल्प आया तो वो भी आत्मा में और ज्यादा जुड़ गया। कहां चले गए बोलो भैया? स्वरूप में बात करा, असल जी शब्द भी ऐसे लगते भी उनकी बात है भैया, हम तो हाँ तुम कौन हो? दीनहीन पामर गरीब स्त्री पुरुष, हम तो क्या कहना चाह रहे हम तो। हाँ बोलो ये बोलो उत्तर, हम तो हाँ हम तो आनंद धाम, हम तो भगवान। पंडित साहब के सामने कोई बात हुई, अच्छे बैठ तो एकदम हे भगवान, पंडित साहब के सामने किसी मुंह से निकला हुआ हे भगवान है, हे भगवान करेगा, हूं भगवान नहीं कह सकता। अभी अलौकिक दृष्टि अलौकिक वृत्ति, मैं तो कहता हूं पंडित साहब के जीवन में देखो ध्यान कर गया, कुछ समझदार हो तो समझे, अलौकिक दृष्टि अलौकिक वृत्ति के दर्शन पंडित साहब के जीवन में देखो, ऐसा महापुरुष मिले नहीं कभी, कह रहे हम अलौकिक दृष्टि अलौकिक वृत्ति करा। हा हा भैया मैंने लोग के एक पदार्थ की चाय के लिए ब्रह्म की हत्या मत करो, अंदर में ऐसा लगे लोग का एक पदार्थ ना मिले तो अभी हम आत्मा आनंद करेंगे बस। हिसाब देर छूट गई तो अरे छूटी छुटाई है ले छूटता जाएगी छूट कर जाएगी पता छूटी छुटाई है भैया, देह है कहां हमारे साथ, अत्यंत भाव है अत्यंत भाव बड़ा देह है कहां हमें तो सजे महिराज का अभी निर्माण सागर जी की समाधि हुई वो इतनी भयंकर गर्मी 45-47 वो पानी तो नहीं ले पा रहे आहार की शरीर ठीक से नहीं हो पा रही, लेकिन क्या मजा उनके चेहरे से लगा अब कहा एक बार नहीं निकला मुझे अब कहा 4-5 दिन आहार नहीं मिले इतनी गर्मी पड़ रही और अंदर कुछ हो रहा। हमने आखिरी में पूछा महाराज जी अंदर कहीं आखिरी आखिरी में आते सूखती है जलन होती है कुछ तकलीफ होती है आपको भी तकलीफ नहीं कुछ एक बार उफ नहीं करी एक बार ऐसे घबराहट भी नहीं अब कहोगे बहुत गजब अलौकिक दृष्टि अलौकिक वृत्ति भैया अपने को तो अभी इतनी ऑर्डिनरी चीज लगे अब निकल गई निकल गई कहा तो मुनि तो है नहीं अरे तुम भगवान हो भैया तुम कह रहे मुनि नहीं पापाचार करने वाला यही सोचता हम कौन से थे आगे व्रति पाप कौन से हम बहुत बड़े हो गए कैसे जय गड़बड़ पहली दृष्टि बोलो ये पहली अलौकिक दृष्टि अलौकिक व्रति मैं परमात्मा हूं यम न की कर प्राप्त की ही प्राप्ति होती दूध में घी नहीं होता तो निकलता कहां से ऐसे इस आत्मा में परमात्मापना नहीं होता तो प्रकट होता कहां से जैसे दूध में से घी निकलने की प्रोसेस है ऐसे आत्मा में से परमात्मा पना प्रकट होने की प्रोसेस है बनने की नहीं आत्मा में से परमात्मा बनने की नहीं आत्मा रॉ मटेरियल नहीं है मट्टी की तरह क्या मट्टी को घड़ा बन गया मट्टी है रॉ मटेरियल अरे घड़ा बन गया ऐसा नहीं है हाँ बना बनाया है क्या मान दिया अब तो ऐसा लग रही थी ये कम निकालेंगे देखो आपने खजाना अपने पास रखा हुआ है कम निकाल के देखेंगे भैया अपना परमात्मा आनंद ऐसा हाँ जी अरे चलो आप देखें सामायिक किसी का ही ना है अब तो जी मार मार मुसलमान बनाने पड़ा 3 बार हम सामायिक कर चलो ए पाठ करा करो बोले ए सामने पाठ किया करो वो जिसने वो अपनी चीज जैसे बच्चा नहीं बच्चा पिताजी 9 खिलौना ले आए 9 खिलौना कोई सा लिया छोटा था उसे बड़ा पसंद था चुपचाप अब बुंदेलखंड की भाषा में कहो मार लाल दुखा के ले आओ बस्ता में दुखा के ले आओ अब मार साहब पढ़ा रहे हो मन पढ़ने में नहीं लगे मार उसे तो जी अरे कब इंटरवल हो और सब दोस्तों दिखा रहे उसे जी लग रहा ये देख रहे टीचर और फिर रहो नहीं सब बगल वाले कही देख कही देख बोलो 3 लोग में इस भगवान आत्मा से बढ़िया क्या चाहिए पंडित साहब क्या बोलते थे यही देखने लायक है कौन है
टीका में अमृत स्वामी यही एक देखने लायक पद ब्रह्मधारी विन्यास टीका में यही एक देखने लायक और दिखाने लायक है, यही परमात्मा एक देखने लायक है और दिखाने लायक है। हरि वास में हरि भैया ऐसे परमात्मा का अनुभव करो, अनुभव करो और निर्णय करो पहले, मतलब पूरा समय ऐसे चला जाएगा। हम फिर कह रहे और फिर कह रहे भैया हमसे पूछो तो तुम्हारी क्रिया कांड की हमारी नजर में कोई वैल्यू, तुम्हारी पूजा पाठ की भी हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं। खैर पहले वो तो पता लगा अजय को आता क्यों भैया खर्चा तो बहुत कर रहे हो बरात कहा जाने, बरात की हमें नहीं मालूम लगी भैया शादी अच्छी हो रही बरात कहा जाने जी पता ही नहीं, घोड़ा बहुत अच्छा आ गया बाजा बहुत अच्छे आ गए और मिठाई बहुत अच्छी हो रही तो खाओ मजा करो। ये हम तो खा के मजा करेंगे बरात जाने का ज्यादा बताओ मतलब वो पता ही नहीं ऐसे किसके लिए कर रहे हो व्रत पूजा पाठ वो किसके लिए वो आत्मा हो तुम ये तो खबर ही नहीं तुम्हें और आत्मा में ये तो जीवी बड़ी गड़बड़ होगी आत्मा सुनते सुनते वो थर्ड क्लास हो रहे हो ये हरिजन भी कह रहे हो आत्मा है और तुम भी आत्मा कह रहे हो तुम्हारे चेहरे में भी रोमांच ही नहीं हो हम आत्मा है आत्मा मतलब क्या कमाल है ऐसा लगना चाहिए सब आपस में बातचीत भी करो तो एक पहले किसी के सोच में आदत डालो जी भविष्य के सिद्धात्मा है वह सिद्धालय मिलेंगे ये मैं क्या बैठ अब कहो हम यही है जी जी बोलिए जी बोल एक बार हमें पानी ना तो पानी नहीं रे देखिए कैसी गंदी बात हो गई बता भाई हवाई जहाज में जाओ अमेरिका और सब अंग्रेज मनी उधर गया कोई भारतीय नहीं कोई हिंदी बोलने वाला नहीं और एक मुसलमान हिंदी बोलने वाला मिल जाए ऐसा लगता है अरे बच्चा मुसलमान है ध्यान रखना और निकाल के फिर अंडा खा रहा है फला खा रहा है कछु करे लेकिन वो हिंदी बोल रहा हो तो इतना प्रेम हो जाता है और ये तुम कहां रहते हो कहां से आ रहे कहां जा रहे क्यों जा रहे हैं 24 घंटे का सहारा मिल गया और 24 घंटे का नहीं दिख रहा उसे अमेरिका में भी कोई परिचित नहीं हुआ तो इनसे काम चलेगा भैया फोन नंबर दे दो तुम्हारा यदि वहां कोई दिक्कत होगी तो हम तुमसे बात करेंगे और उसे क्या अपना घर है आप जाओ हमारे घर है घर क्या कमाल है केवल भाषा से इतना प्रेम हो जाता है और कल्पना करो हम अनंता सिद्धालय में रहेंगे मुझे टारगेट नहीं होता था इतनी इतनी बातें याद रह जाती थी अरे हमने तो इतने अच्छे से कही थी खा ले ऊपर उनने खा ही नहीं उनने तो बात ही नहीं करी और ऐसे ऐसे रख दे अलौकिक वृत्ति से सोचो फिर सोचो देखो जी मूल सिद्धांत नहीं समझ में आई ना तब तक व्यवहार आएगा नहीं आप व्यवहार कभी भी किताब पढ़ के नहीं आएगा शरणानी कभी किताबें पढ़कर नहीं आएगा लिख लो ये बात हमने जो पहली दृष्टि दे दी कितने टॉप उद्देश्य बताओ परिणति कैसी हो जाती बताओ बताओ उधर ऐसे हल्के भाव क्यों नहीं आते देखिए जीए दे रहे बताओ राष्ट्रपति भवन में जा और फिर कहो एक जरा टाट पट्टी मिल जाए बैठ में हम भी बैठ जाए इधर क्या कह रहे हो तुम हटो कहां से आ गए तुम वो पहले डाल भगा देगा वो ठीक है प्राप्त की प्राप्ति होती मानी विश्वास करने के लिए निर्णय है सिद्धांत का ये देखो भगवान आत्मा प्राप्त अब ध्यान रखना प्राप्त और प्राप्ति में अंतर नहीं होता सैद्धांतिक भाषा है आगे की प्राप्त और प्राप्ति में अंतर नहीं होता मानी ये अंतर नहीं देखना अरे ये तो सिद्धपना प्रकट हो गया और ये दूध में घी है और ये प्रकट हो गया अंतर नहीं है वो ही है दूध में जो घी था ना ये वो ही है प्राप्त प्राप्त समझिए ऑलवेज अवेलेबल अवेलेबल टू कंज्यूम प्रकट हुआ इन अंतर का नहीं वो ही है बिल्कुल उतना ही है घी दूध में जैसा था और जितना था उतना ही है और वैसा ही है पता भैया ऐसा हो सकता है दूध गाय के भैंस के दूध में घी तो था भैंस जैसा अपन ने ऐसी प्रोसेस करी गैया जैसा घी लग गया बोला भैया जैसा था वो जितना था उतना ही निकला सुनो सुनो हाँ हाँ प्रभु आज तो आनंद आ गया जैसा है
ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, मैं भी प्रभु आप ही नहीं, जी क्यों कह रहे हैं, जी क्यों कह रहे हैं, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, मैं तुम्हें ही नहीं हूँ, तुमसे नहीं कह रहे और कोई से, उनसे कह रहे भगवान से, यह प्रतिबिंब सु मेरा है भली भांति मैंने पहचाना, यही स्वरूप सु मेरा है। कैसे आनंद आएगा, हम तो कह रहे थे रोमांच सब सुना हो, रोमांच दिक्कत क्या है कि रोमांच खत्म सा हो जाता है, रोज रोज सोचते हैं आत्मा परमात्मा कल्पना करो अभी राष्ट्रपति आए और कंधे में हाथ रखे थे कहो ये अरे तुम बढ़िया क्या इतने जिंदगी में रोमांच रहेगा क्योंकि हमने तो पहचान लो हमें और राष्ट्रपति ने हाथ रखा कहो भी पारस तुम दिल्ली से कब आ गए खनिया चीना था देखा क्या समाधान आया भाई और यहां कह रहे हैं भगवान तुम्हें भगवान कहकर बुला रहे हैं चीन रहे हैं मेरे आत्म गुण नहीं चीना लिखा है ना उसने वो अपने को नहीं पहचान रोने से पहले सोचना आप ये हम तो मोड़ी मोड़ी नहीं ना मोड़ जाओ अब तो हाँ शरीर मत दे रो नहीं अब हमें कोई पूछता नहीं हमारी बुद्धि कम है हमारा शरीर कमजोर है फला कमजोर 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 देख ले बीमा दादा क्या कहते हैं बम है बम परमाणु बम है एक विस्फोट में सारे क्रम ऐसे हो जाएंगे एक एक अपना पौरुष पहचानो भैया कितना आनंद है भैया तो प्राप्त प्राप्ति में अंतर नहीं होता भगवान व मेरे में कोई अंतर नहीं मैं इतनी बात है तुम जब तक विश्वास नहीं कर रहे तो प्रकट नहीं हो रहा इतनी सी गड़बड़ है बस क्या कर रहे हो बम का नाम आया तो बम ही ले ली खराब दृष्टांत है मतलब एक लड़के ने बम फोड़ा सुतली बम ऐसा फटा भैया और तुम्हारे पास सुतली बम लगा है अब क्या बता तुम तो पशु बम ना हो अरे वो ही है वो एक ही कंपनी है एक ही कंपनी का है मम्मी ने ये तुम्हें दिया एक भैया को दिया भैया ने फोड़ा था ये इनको बम तो बहुत अच्छा फूटा लेकिन तेरा बम एक बार पहले नंबर विश्वास करो हमें नहीं मालूम ज्यादा पढ़ाई आत्मा हो गया नहीं जल्दी बोलो हो तो बस परमात्मा क्यों प्राप्त और प्राप्ति में अंतर नहीं होता चलो दो पॉइंट हो गए पहला पॉइंट क्या हो गया प्राप्त प्राप्त की ही प्राप्ति होती है पहला पॉइंट क्या हो प्राप्त की ही प्राप्ति होती दूसरा प्राप्त और प्राप्ति में अंतर नहीं होता सुना हो अब प्राप्ति के अभाव में भी प्राप्ति देखना ये समझ कर सकते ये आनंद है इसका हम चढ़ना नहीं हो गया कुछ कह गए सेल थोड़ी साफ देंगे ना टेक्निकल प्राप्ति देखो नहीं प्राप्ति के अभाव में भी प्राप्ति देखो प्राप्ति के अभाव में भी प्राप्ति देखो देखो दृष्टा देखो सर एक लड़का आईएएस पास कर लिया अब कलेक्टर बनना है लेकिन अभी उसको लेटर नहीं मिला नौकरी का कलेक्टर की नौकरी का लेटर नहीं मिला बोलो तुम्हें सब क्या लग रहा है बोलो बोलो क्या लग रहा है उसे क्या लग रहा है बोलो आईएएस पास कर लिया हमने बस अपॉइंटमेंट मिलना और ज्वाइन करना बस इतनी सी गड़बड़ है बात बोलो सारा परिवार कैसा देख रहे हैं बोलो बिहार की एक झोपड़ी का साइकिल चलाने वाले का लड़का सुना हुआ अखबारों में आपने वो आईएएस बन गया और बाप अभी भी रिक्शा चला रहा है और उसे ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन नहीं किया उसे कार्य मिला अभी नौकरी भी नहीं मिली सैलरी नहीं मिली अभी बोलो क्या अनुभव कर रहा है बोलो बोलो ये अब लड़की वाले भी लड़की देने आएंगे कि नहीं आएंगे रिक्शा वाले का लड़का है और झोपड़पट्टी भी रह रहा है बोलो और कितना दहेज देंगे कि भैया हमें तो हमें अंतर नहीं दिख रहा हमें तो ये कलेक्टर ही दिख रहा है सारे जिले का मालिक दिख रहा है हमें तो ये इसकी सलूट दिख रही है सबरी सब सलूट मारेंगे इसे उसमें कोई क्यों ये कहेगा जी कलेक्टर है कि वो रिक्शा वाला लड़का है हम सैल्यूट क्यों मारे इसे अरे अब तो सब दिख रहा है
अब कोई 50 साल का भी पुलिस वाला हो, वो अभी जब निकलती ना परेड, नहीं निकलती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो जैसे सोचे 25 साल का लड़का, हम 50 साल के, अरे अब तो निशंक स्टैंड हो गया। अब तो समझ आ गया ना, हमें प्राप्ति के अभाव, मैंने नौकरी किया अभी ज्वाइन नहीं किया कलेक्टर का, फिर भी हमें कमी नहीं दिखती, ऐसे ये सब कौन बोला, प्रकट सिद्ध नहीं होने पर भी हमें कम नहीं लग रहा, सिद्ध से कम नहीं लग रहा, सब हमें सिद्ध के सामान दिख रहे हैं, बस हो गया तमाम। आप तुमसे अनादर हो जाए तो करो, आप करो अपेक्षा, हम नहीं दे रहे हैं, हमने बोल रहे अगर कहीं दृष्टान में हमें वो मुसलमान से भी प्रेम हो जाता है हवाई जहाज में, बोल ऐसा नहीं लगता, सब भावी सिद्ध न। और कौन कौन दिख रहे बोलो, इसका नाम है विश्वमैत्री, विश्वमैत्री प्राणी मात्र में भगवान नजर आता है। अब चरणानी बनाते चले जाओ, उसमें चरणानी पानी क्यों छानते हैं, अरे हमें उसमें जीव है ना आत्मा, जो भी परमात्मा दिखती है उनका घात कैसे करे, वो अच्छा लगा। अरे शरीर की कीमत करना अभी आप जैनी लोग ही जानते हैं, उसमें तो उन्होंने सिकंदर के प्रकरण में भारत वालों को लिखा है कि हम भारत वाले ही देह की भी हिफाजत करना जानते हैं, मतलब देह की कीमत करना भी हम जानते हैं, एक केंद्रीय जीव की भी रक्षा करना हम जानते हैं, हमें लगता है ये जीव एक केंद्रीय परमात्मा है। बोलो पानी इसलिए छानते हैं, आलू क्यों नहीं खाते, कितनी टॉप सोच है, परमात्मा है एक परमात्मा, दूसरे परमात्मा को उबाल कर नहीं खा सकता, इसका नाम ब्रह्मचर्य व्रत था। अब बोलो भाई पापाचार, समस्त पापाचार का अंत हो गया, एक भी प्राणी का अनादर नहीं रहा, समस्त पापाचार का अंत हो गया, एक तीसरी देर में क्या कह रहे, समस्त पापाचार का अंत हो गया, जब पानी छानने से शुरू हो गया, चोरी कौन करेगा, हिंसा कौन करेगा, झूठ कौन बोलेगा, चोरी और कुशील कौन करेगा, हाँ सब परमात्मा दिखाई देती। बोला बहुत साल पहले पत्र लिखा था खतौली बच्चों के लिए, तब उनके लिए कहा था एक सिद्ध दूसरे सिद्ध में रमे कैसे, शादी करने के नाम पर एक भावी सिद्ध, दोनों सिद्ध है, जैसे की दृष्टि में रमे कौन, पशुवत लीला करे कौन, तब तब धिक्कार रहता है, कहा जाए हाँ क्यों, कोई राजा और गटर में गिर जाए कैसा लगे, बोलो ऐसे कोई परमात्मा इन 5 दिन के विषय सेवन में पड़ जाए, दीदी ऐसा लगता है, लेकिन कब दिखाई देगा, सूत्र बोलो प्राप्त की ही, जब तक ये सिद्धांत ही समझ नहीं आता, देखो देखो जो सब कहने की बातें हैं, भगवान बनेंगे जब मुनि बनेंगे तब भगवान बनेंगे, तो नहीं ऐसा लगता है जैसे मुनि बनने में से भगवान बनेंगे, जबकि हम ये कह रहे हैं मुनि बनकर भगवान नहीं बनते, भगवान होंगे देख करके मुनि बनते, फर्क समझ आया कुछ, फर्क समझ आया, दूध में घी है तब निकालोगे, तब तुम जमाओगे तब मिलोगे और तब मक्खन निकालोगे, अब घी नहीं होता बोलो भाई बकरी का दूध दे दू, बोलो निकालोगे घी, अरे पंडित जी इतनी तो कैसे ही बढ़ जाएगी जितने घी नहीं निकले, बोलो हा हा अपने परमात्मा को देखकर मुनि दशा आती है, सामायिक होती है, सामायिक दृष्टांत याद है, सामायिक का जैसे बच्चा खिलौना देखता है, अच्छा अच्छा यहां से 24 घंटे से खिलौने का आनंद है, अपने आत्मा का आनंद है, परमात्मा का आनंद है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए, और नहीं तो सड़क से आप स्थिति खत्म नहीं होगी, पंडित जी ऐसे भी कर पाते, फिर ऐसी क्रिया हो जाती है, फिर ऐसी हो जाती है, और फिर ज्यादा कुछ कह दी तो हम तो है दीन हीन पावर, हमें कछु है ही नहीं, तो आप जैसे को मोक्ष हो, हम तो इतने लुटे पेटे, हमसे पूछे तो इतने लुटे पेटे को ब्रह्मचर्य का अधिकार नहीं, अधिकार नहीं मतलब बाहर की प्रतिज्ञा करें कि ब्रह्मचर्य मने आनंद, ब्रह्मचर्य मतलब आनंद आएगा क्या, बस क्रियाओं में से थोड़ी आता है, इसीलिए भी आलम का क्रियाओं की कोई वैल्यू नहीं, जीरो, तो करोड़ पूजा पाठ करो जीरो, हमें तो रात को भी तो यही कह रहे हैं, अब का विधान हो गया तो जीरो है, आपका आनंद तो आत्मा का हो स्टार्ट सबसे पहले, तो क्या है सारे जीवन में भावना रहती है विधान विधान विधान, तो विधान कर ली, तो क्रिया मात्र, हमने रात में ही सोचे थे बम्बई दौरान तो हमारा हो रहा है जोरदार 24 घंटे आने, ऐसा विधान कैसा विधान जैसे दुबई को हो,
वहां तो गिर गया बस। हाँ मरने के लिए मजियो या ब्रह्मचारी बने, अमर अमर था तो पाने के लिए जियो और अमर हूं यहां से अनुभव करके जियो। केल करे जब केल कर केल योच लो समझाए भैया, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। अब भैया सब लोग इसको टेली करना, बोलते सीधी बात है टेली करो, हल्के विचार हाँ झट नोट करो क्या कह रहे थे, सब परमात्मा दिख रहे कि नहीं, अबल परमात्मा है कि नहीं, लोग व्यवहार में एक परमात्मा दूसरे परमात्मा के लिए क्या नहीं करे, बस सब आ गया पूरा चढ़ना नहीं हुआ इतनी सी देर में, भैया वृत्ति करना क्या कर सकता है, सब कर सकता है। हाँ हाँ मलमूत्र में लिपटा हुआ मुनिराज का शरीर हो, मल कब आ रहा हो, वॉमिटिंग हो रही हो, और धर्मात्मा ऐसा ले ले जैसे गटर में से हीरा निकाल रहा है, हीरा कैसे निकालते बोलो, उल्लास के साथ ऐसे उल्लास के साथ समाधि करा रहे, मलमूत्र भरे हीरा देख रहे हमारी नजर तो, और नहीं कहा क्यों ये कर करके हार गए, ये आवाज कौन की आएगी, जैसे ब्रह्म का खबर नहीं, जैसे आत्मा परमात्मा की खबर नहीं है, उसे भैया वृत्ति में घृणा आ गए, अरे हमका सेवा करें भैया कर करके हार गए, और अंतिम बात कहे देखो और ऐसी ऐसी सेवा करना होती तो हम अपने घर में ही कर लेती सर, अभी तो पता ही नहीं तुम आत्मा हो कि परमात्मा हो, तुम ये ही नहीं मालूम, घर में ही कर लेते, मैंने तुम इसलिए घर से भाग क्या कि मना करना पड़े, और यहां भी इसलिए कि करना ना पड़े, सुना बिना भैया वृत्ति के आनंद नहीं आता, घुटन होती है घुटन, यदि आप भैया वृत्ति नहीं करो समझ लेना ब्रह्मचारी हो भैया वृत्ति से दूर मन घुटन, अब काय की घुटन है मानादिक शत्रु महा, उसे तो ऐसा आता है अरे ये मैंने क्या दृष्टांत दिया, बहुत प्यारा दृष्टांत दिया, जैसे गटर में पड़ा हुआ हीरा उल्लास से उठा लेता, उल्लास से उठाता तो है ही उल्लास से उठाता, मां अपने बालक को मलमूत्र में लिपटा पड़ा हो बिल्कुल इस बंदे चली गई हो तो खूब रो रहा हो तो कपड़े की चिंता नहीं करी, गले से लग मोंग जाओ मोंग जाओ कच बात नहीं हम धो लेंगे कपड़ा, कची बात नहीं बिस्तर धुल जाएंगे सूख जाएंगे, कची बात नहीं कैसा उपाय करती बोलो, ऐसे एक साध आदमी दूसरे साध आदमी को भैया वृत्ति करके ऐसे उठा ले, जी नहीं लगे आज हमारा टाइम खराब होगा, इनके चक्कर में पूजा नहीं कर पाए, इनके चक्कर में स्वाध्याय नहीं कर पाए, ये करोड़ों ग्रंथों की स्वाध्याय हो गई भैया वृत्ति में, समाधि मन में कही बात करोड़ों ग्रंथों की स्वाध्याय हो गई तुम्हें पता ही नहीं, लेकिन आत्मा हूं मैं परमात्मा हूं ये बात नक्की किए बिना, सही बात कहें तो पहला कदम है मैं परमात्मा हूं, परमात्मा स्वयं नकी का खूब विचार करो भैया, खूब उल्लास इस मार्ग में आओ, ये दोनों रचनाएं ढूंढना है, उल्लास से इस मार्ग में आओ वाली कौन सी रचना है निकालना, हाँ निकालना, और एक वो वाली संबोधन है ना, दोनों चर्चा का पार्ट दोपहर की सभा में और शाम की सभा में और